हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज कक्षा 7 का पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा जो है मुक्ति, श्याम व्यास के द्वारा लिखी गई यह रचना है और इसमें एक छोटी सी चिड़िया के मनोभावों का विश्लेषण किया गया है, चित्रण किया गया है कि वह घरों में घुस करके किस तरह से अपने घरौंदे बनाने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए जगह की तलाश करती है। और हम इंसानों से यह पूछती है जब उनका घोंसला टूट जाता है तब कि किस हमने आपका क्या बिगाड़ा है। तो यहाँ पर इसी को चित्रित करते हुए ये कहानी लिखी गई है। तो हम लोग इसका पाठ वाचन से व्याख्या करते हैं। लगभग अक्टूबर नवंबर में से यह सिलसिला शुरू हो जाता है। वह अजनबी आत्मीय बन जाती है और घर के कुछ जाने पहचाने अपने प्रिय हिस्सों में नए सिरे से पड़ताल करने लगती है। दीवार पर टंगी किसी पेंटिंग के पीछे, अलमारी के ऊपर, बुक शेल्फ के अंदर अथवा बाथरूम या ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू वह अपनी ज़रूरत और पसंद की जगह खोजने लगती है। बार बार अंदर आएगी, फिर कुछ फुसफुसाकर तेज़ी के साथ बाहर जाएगी और दूसरे ही क्षण उतनी ही तेज़ी से अंदर आ अपनी चुनिंदा जगहों पर बैठ जाएगी। ये चिड़िया की बात हो रही है कि उसके लिए वो घर जाना पहचाना होता है। वो आ करके फिर से घर के कॉर्नर को, कोनों को, पंखे के ऊपर, वेंटिलेटर के ऊपर जगह अपनी खोजने लगती है घोंसला बनाने के लिए। आश्वस्त हो साथ में लाया हुआ सामान उन जगहों पर रख देगी और तब सारा घर ची 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 के शोर से डूब जाएगा। तभी महसूस होता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया है। अक्टूबर और नवंबर महीने में चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए उतावली होती हैं और वह जगह और ठिकाना ढूंढने लगती है कि उनके द्वारा जो तिनका लाया जाता है उसे वह कहाँ रखें। बड़े और छोटे सभी अपनी अपनी तरह से इस अजनबी मेहमान को बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। घर के बड़े शी शी कर उसे डराते हैं। बच्चे यहाँ वहाँ उसका पीछा करते हैं और घर की औरतें बार बार उसका सामान उठा खिड़की से बाहर फेंक देती हैं और कुछ क्षण के लिए निश्चिंत हो फिर से अपने कामकाज में जुट जाती हैं। जैसे ही आना शुरू होता है चिड़ियों का, लोगों का विरोध भी शुरू हो जाता है। बच्चे भी डरते हैं, बड़े भी उसको डराकर भगाना चाहते हैं और महिलाएं भी उसे घर से निकाल कर आश्वस्त हो जाती हैं कि अब ये दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन उसका लौटना निश्चित है। वह फिर भी आती है चिड़िया। वह फिर आती है, फिर आती है और अपना सामान चोंच में दाबे तिनके यहाँ वहाँ अपनी पसंद की जगहों पर रख देती है। वो ऊपर ऊपर एरिया में रख देती है अपने पसंद के सामान को ताकि वहाँ पर वो अपना घोंसला निर्मित कर सके। अब तक घर के बुजुर्गों का जोश समाप्त हो चुका था होता है कि इतना वो प्रयास करते हैं कि चिड़िया को भगाया जाए, लेकिन चिड़िया थकती नहीं है और बुजुर्ग जो होते हैं घर के वो थक हार करके बैठ जाते हैं। बच्चों का उत्साह भी क्षीण होने लगता है। अब उनकी रुचि उसमें नहीं रहती है कि हम चिड़ियों को भगाएं। इतने बार वो आती है, बार बार वो चिड़िया आती है। जैसे इस खेल से उसका मन भर गया हो, औरतें भी उनकी बच्चों जैसी जिद के आगे हार जाती हैं कि जैसे बार बार वो सामान हटाती हैं और बार बार चिड़िया आ जाती है तो औरतें भी थक जाती हैं, सरेंडर कर जाती हैं कि अब इनको भगाना मुश्किल है और उसके आवागमन को देख मुस्कुराकर रह जाती हैं। चिड़िया अपने तिनकों, अपनी चींची और अपनी पूरी चपलता के साथ घर में घुस आती हैं और दीवार पर टंगी तस्वीर के पीछे, अलमारी के ऊपर, बाथरूम में और ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू अपना घर बनाना शुरू कर देती हैं। घर में यहाँ वहाँ तिनके बिखेरना शुरू हो जाता है और चिड़िया एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर, रसोई घर से स्नान गृह तक, समूचे घर में मालकिन की तरह उड़ती रहती है, फुदकती रहती है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, अब तो चिड़ियों का प्रवेश बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले लोग चिड़ियाँ जो होती थी, चाहे वो मिट्टी का घर हो चाहे पक्के का घर हो, उन घरों में चिड़िया का आना जाना रहता था। उनका घोंसला बनाना और ची ची करके एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना लगा रहता था। वो परिवार के एक सदस्य की तरह वहाँ पर रहने लगती थी। अब तक चिड़िया घर का हिस्सा बन चुकी थी। मौसम की शुरुआत में मैंने ज़रूर विरोध किया था, थोड़ा प्रतिरोध भी किया था। श्याम व्यास जी यहाँ पर बता रहे हैं कि थोड़ा सा उन्होंने विरोध भी किया था। 2-3 बार बुकशेल्फ से तिनकों का ढेर उठा बाहर फेंक दिया था। एकाध बार चिड़िया को खदेड़ने के नाम पर आध पौन घंटा भागदौड़ भी की थी कि चिड़ियों को भगा करके ही दम लेंगे। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए थे, यहाँ तक कि उजालदान पर भी कपड़ा बांध दिया था। जहाँ से रोशनी आती थी रूम में, उस कम वहाँ पर भी उन्होंने कपड़े बांध दिया था ताकि चिड़िया घुस ना सके।
परंतु कुछ ही देर बाद वह ची 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 का शोर करती हुई चिड़िया बुकशेल पर बैठी मुझे ताक रही थी। वो फिर अंदर में आ गई थी। ची 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 ची, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, जैसे कि उसे लेखक को परेशान करने में मज़ा आ रहा था। हथियार डालने के अंदाज में मैंने उसकी ओर देखा कि अब निरर्थक है इसे भगाना। बुकशेल्फ जो अभी अभी मैं साफ कर चुका था वह वहीं बैठी थी और पास में एक सूखा हुआ तिनका पड़ा था। वह फिर से तिनका लाई थी। उसके घर को बार बार उजाड़ा जाता था लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती थी और फिर वह अपना घोंसला बनाती थी। ची 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 ची, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम क्यों नाराज़ हो? चिड़िया अपनी भाषा में कहती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम क्यों नाराज़ हो, तुम मुझे क्यों निकाल रहे हो? उसकी बेचैनी, सरलता और आत्मीयता को देख मैं करुणा और दुलार से भर गया। वह बार बार ची ची करके ऐसा बोलने का प्रयास कर रही थी। उसके भावनाएं ऐसी बता रही थी, उसके हाव भाव ऐसा बता रहे थे जिसे देख करके लेखक को भी दया आ गई। चेहरे पर तनाव धुल गया और उसकी जगह चिड़िया जैसी ही मुस्कान तैरने लगी। मैंने उठकर फिर से खिड़कियाँ खोल दी, पर्दे खींचकर एक और कर दिए और प्यार से पूछा, अब तो तू खुश है ना? कि अब खिड़कियाँ भी खोल दी, उजालदान भी खोल दिया गया कि अब तो तू खुश है, तेरे आने जाने का द्वार मैंने खोल दिया। ची 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 ची, अब तुम्हारी हमारी दोस्ती, वह ची ची करके लेखक से अपने प्रेम का इजहार कर रही थी कि अब तुम्हारी और हमारी दोस्ती हो गई, आखिर यह मेरा भी तो घर है। वह अपना हक जताती है अपने ची ची की आवाज़ से। खुली खिड़की से एकदम वह बाहर जाती है और फिर तेज़ी से आती है। कभी रस्सी का टुकड़ा, कभी पत्ते, छोटे बड़े तिनके, रुई के फाये, दर्दी कपड़े की चिंदियाँ और न जाने क्या क्या वह लाकर उसी जगह जमाने लगती है। अब उसे किसी का डर नहीं था, जैसे कि उसे आज़ादी मिल गई हो। पत्नी ने मुस्कुरा कर कहा था, मैंने कहा ना था इससे पार पाना कठिन है, बड़ी ज़िद्दी है। पत्नी भी वो आश्वस्त होती है कि इसको भगाना बहुत मुश्किल काम है। एक बार जो जगह पसंद कर ली बस घर वही बनाएगी। आप बेकार परेशान हो रहे थे, और फिर है भी कितनी प्यारी। उस चिड़िया से लेखिका के लेखक के पति को पत्नी को भी लगाव हो गया था। शाम तक चिड़िया का घर बन चुका था। वह थोड़ा थोड़ा ला करके सामानों को और वहाँ पर इकट्ठा करते जा रही थी। मैं लौट कर आया तो देखा कि वह अपने घर में बैठी है, कभी बाहर कभी अंदर, फिर अपनी चोंच से तिनकों को ठीक करने लगती है। तो चिड़िया रानी, तुमने अपना घर बना ही लिया। मैंने चिड़िया का घर देखकर थोड़ा ज़्यादा ही प्रसन्न हो उठता हूँ। ची 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 ची, कैसा है मेरा घर? यहाँ पर वह चिड़िया ची ची करके उनसे अपना प्रश्न दोहरा रही है कि कैसा है मेरा घर। वह घर के बाहर किताब पर बैठी हुई थी। मैंने गौर से देखा तो पुस्तकों पर चिड़िया के बीट के निशान थे। मैंने उसे फटकारना चाहा, थोड़ा नकली गुस्सा भी किया कि तुमको हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, और वह गुस्सा करते हैं, यह क्या, तुमने तो सब जगह बीट करके पुस्तकें खराब कर दी ना। अब फिर वो ची 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 करके बोलती है अपनी भाषा में कि यह मेरा भी तो घर है, यह सब तो होगा, तुम गुस्सा क्यों होते हो? तभी पीछे से एक ज़ोरदार ठहाका सुनाई दिया। पलट कर देखा तो पाया कि पत्नी और नन्ही पोती चिंकी दोनों खड़ी खड़ी हंस रही हैं। उन्हें लगा होगा कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, और वह भी सनकियों जैसी अर्थहीन बातें। तो ये यहाँ पर ये थी बातें हो रही है लेखक की उस चिड़िया से। उसके बाद है कि बाबा जी आप किससे बातें कर रहे थे? पत्नी की हंसी थम चुकी थी, पर हंसी की जगह अब उनके चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कुराहट थी। लोग पत्नी और पोती मजाक उड़ा रहे थे। उनकी आंखें जैसे पूछ रही थी कि सच में सठिया गए हो क्या, यूँ किससे सवाल जवाब कर रहे थे, चिड़िया से बातें कर रहे थे? चिंकी की गोदी में उठा मैं चिड़िया की ओर इशारा करता हूँ। चिंकी चिड़िया को देख खिल उठती है, वह भी प्रसन्न हो उठती है। तो कहानी इसकी काफ़ी लंबी है, हम लोग इसको दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज का पार्ट हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।